दक्षिण निगम द्वारा अवैध यूनिफॉल होर्डिंग्स पर से फ्लैक्स हटाए गए। कोटा 12 अप्रैल नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा उपायुक्त राजेश डांगा के निर्देशन पर दक्षिण क्षेत्र में एरोड्रम से राजीव गांधी नगर मुख्य सड़क कंट्री इनके सामने 15 अवैध यूनिपोल पर से फ्लैक्स हटाकर नष्ट किए गए। राजस्व वसूली समिति के अध्यक्ष गफ्फार हुसैन ने बताया कि विज्ञापन कंपनियों द्वारा अवैध यूनिपोल लगाए जा रहे हैं, जिनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हुसैन ने बताया कि अभी तो फ्लैक्स काटने की ही कार्रवाई की गई है, जल्दी ही यूनिपोल काटकर जब्त किया जाएगा एवं हटाने का हर्जा खर्जा विज्ञापन एजेंसी से वसूल करते हुए जिस कंपनी कोचिंग स्कूल का विज्ञापन होते पाया गया उस पर भी संपत्ति विरूपण अधिनियम 2009 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त राजेश डांगा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध यूनिपोल होर्डिंग्स के माफियाओं को कानूनी शिकंजे में लेकर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि वह भविष्य में शहर को बदसूरत कर सकें और अवैध कारोबार में चला सके। डांगा ने कहा कि सभी कोचिंग संस्थाओं से, स्कूलों से, विज्ञापनदाताओं से अपील करता हूं कि निगम के बैड यूनिपोल की अनुमति जिस एजेंसी के पास हो उसे ही विज्ञापन का काम दे दें, अन्यथा विज्ञापन धोखा पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई में उपायुक्त राजस्व दिनेश शर्मा, राजस्व अधिकारी विजय अग्निहोत्री, निरीक्षक ललित सिंह, राकेश राठौर उपस्थित रहे। वीके न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट।